कैसे, आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों के वेकेशंस? हाँ भाई, अभी तो दिवाली के वेकेशन शुरू हो गए रहेंगे तुम लोगों के, लेकिन तुम लोगों को दिवाली के लिए टीचर्स ने दिए होंगे हॉलीडे बुक्स, है ना। तो हॉलीडे बुक्स में देखो भाई, तुम लोगों को यहाँ पर ए, फिर दिया हुआ है बी, फिर है हॉलीडे बुक नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो अभी हम लोग बिफोर दिवाली से ही शुरू कर देते हैं इन हॉलीडे बुक्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं वन बाय वन ये बुक सॉल्व करके देने वाली हूँ आप लोगों को, लेकिन सॉल्व करने का मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने आंसर लिख दिए और आपका बुक भर गया तो आपके आपका होमवर्क हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग जो भी सीख रहे हैं, जो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमें समझ कर करना चाहिए, है क्या नहीं? तो ही फायदा है ना इसका, वरना देखिए क्या फायदा टीचर लोगों का। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ए, ए नवनीत हॉलीडे बुक। तो देखते हैं भाई ए में क्या दिया हुआ है। तो ए में सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर, देखो अभी पेज नंबर 1 में तो यही दिया हुआ है नवनीत हॉलीडे बुक, है ना। अभी पेज नंबर 2 से एक्चुअल में ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया है, क्रॉस आउट द ऑड लेटर फ्रॉम ईच रो। अभी रो का मतलब क्या होता है, रो यानी लाइन, हर लाइन में ऑड वन क्या है उसे आपको करना है क्रॉस, ठीक है। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुम लोगों को पता चलेगा, भाई दिवाली का माहौल है, जरा फटाकों के आवाज आएंगे तो इग्नोर करना, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, हम लोग ऑड वन किसे कहते हैं ये समझते हैं। ओके, तो अभी देखो ये मेरी है 4 उंगलियां, ठीक है। अभी यहाँ पर कौन सी वाली उंगली जो है हमें और दिखाई दे रही है, नेल पेंट के कलर्स देखो आपको तो, है ना, कितने स्मार्ट है तुम लोग, है क्या नहीं। तो ये देखो, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, गोल्डन बिल्डन ऐसा। तो ये 3 एक जैसे है और ये थोड़ा अलग है, तो जो अलग है ना वो है ऑड वन, तो इसे हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से और ऑड वन का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अभी ये देखो, ये क्या है, यस पेन है ना। अभी ये है पेन, अभी ये हम लोगों ने इसे लाइन से लगा दिए। अभी इसमें से ऑड वन कौन सा हो गया बोलो तो, करेक्ट। तो इसमें से ऑड वन क्या हो गया, पेंसिल, ठीक है। सारे पेन में एक पेंसिल जो है वो हो गया ऑड वन, समझ गए तुम लोग। ओके, अभी और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो और तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है एन, फिर एम 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 एम, या तो आपको अल्फाबेट देंगे या तो कोई शेप देंगे जो अलग है वो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एम जो है उसमें ये एन जो है ये है ऑड वन, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, तो ये एम के सीक्वेंस में नहीं बैठता है। अभी इसी तरह से इन्होंने हमें नीचे दिया है, देखो ए ए, यहाँ पे दिया है वी और ए ए, तो ये समझने के लिए तुम लोग को ए बी सी डी आना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ए बी सी डी नहीं आता है तो तुम लोग ऑड वन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसमें ऑड वन क्या हो गया, अरे वाह करेक्ट, वेरी स्मार्ट, होशियार हो गए तुम लोग मेरे संगत में रहके। तो ये हो गया ऑड वन। अभी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि ऑड वन किसे कहते हैं, और अभी तुम लोग ही आंसर दोगे मुझे कि इसमें से ऑड वन क्या है। देखो जरा गौर से, ये है ओ, ये है क्यू, ओ ओ ओ, तो ऑड वन कौन हो गया, क्यू, करेक्ट, यस करेक्ट। अभी यहाँ पर दिया है बी डी 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 डी, तो ऑड वन कौन सा हो गया, करेक्ट, तो बी हो गया ऑड वन, तो इसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। जेड 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 एन, करेक्ट, तो एन हो गया ऑड वन, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अभी आगे देखो टी 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 एल टी, तो इसमें ऑड वन कौन सा हो गया, करेक्ट, एल ऑड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे है के के एक्स है ये के के, तो है ना। यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, देखो भाई एक्स के अगर तुम बिना देखे कुछ भी कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बराबर से आइडेंटिफाई करना कि ऑड वन क्या है, तो ऑड वन है एक्स, तो एक्स को हमने क्रॉस किया। ओके, तो इस तरह से ये जो है अपना ऑड वन हो गया है कंप्लीट, एंड आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ, अभी तुम लोग बुक लेके बैठे होंगे, सॉल्व भी कर दिया होगा, है क्या नहीं। तो अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगी आपको मैच द पिक्चर विद द करेक्ट लेटर। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को तो पता ही है मेरे चैनल के बारे में,
लेकिन जो न्यू लोग हैं अगर उन्हें पता नहीं होगा तो मेरा चैनल है शालिनी हुबली का, जहां मैं सिखाती हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री। ओके, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारा ये आपका हॉलीडे बुक। ओके, और अभी वेकेशन में तुम लोग अगर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं जिस किसी भी स्टैंडर्ड में आप है, तो आप लोग शालिनी हुबली का चैनल में जाइए और सीखिए और टॉपर बनिएगा। इसे मैंने सारे लेसन एक्सप्लेन कर दिए हैं विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, कुछ वर्कबुक के सॉल्यूशन भी दिए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के पीछे मेरा यही एक मकसद है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।